शुरुआत करते हैं इस बुलेटिन की। मैं हूं आपके साथ दीपाली। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वियतनाम पहुंच चुके हैं। हनोई एयरपोर्ट पर पीएम मोदी का शानदार स्वागत हुआ है। पीएम मोदी चीन में G20 समिट में हिस्सा लेंगे। चीन से पहले पीएम मोदी का एक दिन का वियतनाम दौरा कई मायनों में खास माना जा रहा है। मोदी सरकार की ईस्ट पॉलिसी का हिस्सा है। दक्षिण चीन सागर पर अधिकार को लेकर वियतनाम और चीन के बीच तनाव के हालात हैं। चीन को संदेश देने के साथ साथ वियतनाम और भारत के बीच ब्रह्मोस मिसाइल समेत कई अहम समझौते हो सकते हैं। पीएम मोदी 3 सितंबर को वियतनाम से चीन के लिए रवाना होंगे। पीएम मोदी 4 और 5 सितंबर को चीन के हैंगझोउ में होने वाले G20 सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि 15 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री का ये वियतनाम दौरा है। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी 2001 में वियतनाम गए थे। ट्रिपल तलाक पर आज सुप्रीम कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अपना जवाब दाखिल करते हुए साफ किया है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ को कोर्ट नहीं बदल सकता। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया है कि सामाजिक सुधार के नाम पर मुस्लिम पर्सनल लॉ को बदला जा सकता है, नहीं जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर बोर्ड ने अपने हलफनामे में कहा है कि तलाक, शादी और देखरेख अलग अलग धर्म में अलग अलग है। एक धर्म के अधिकार को लेकर कोर्ट फैसला नहीं दे सकता है। कुरान के मुताबिक तलाक अवांछनीय है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दिया जा सकता है। इस्लाम में ये पॉलिसी है कि अगर दंपति के बीच में संबंध खराब हो चुके हैं तो शादी को खत्म कर दिया जाए। बोर्ड ने यह भी कहा कि 3 तलाक को इजाजत है क्योंकि पति सही से निर्णय ले सकता है, वो जल्दबाजी में फैसला नहीं लेते। 3 तलाक तभी इस्तेमाल किया जाता है जब वैलिड ग्राउंड हो, और इससे पहले 27 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में इस बात की सुनवाई हुई थी कि क्या इस्लाम में किसी व्यक्ति को 4 शादियां करने की इजाजत है, क्या बिना तलाक लिए पति दूसरी शादी कर सकता है। और इस्लामी शरीयत या मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारे मजहब का एक अटूट हिस्सा है, इस वजह से ट्रिपल तलाक के मसले में किसी किस्म की कोई तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। और 3 तलाक के मसले पे जो ये बात बार बार कही जा रही है कि इससे मुस्लिम औरतों पे शायद कोई जुल्म व सितम ढाया जा रहा हो, ये बात बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जहां मर्द को तलाक देने का हक दिया गया है, वहीं औरत को खुला और फस्ख निकाह के जरिए से तलाक लेने का हक दिया गया है। इस वजह से हम ये समझते हैं कि इसमें कोई भी तब्दीली की गुंजाइश नहीं है। अब जहां तक ये ट्रिपल तलाक, पॉलीगमी, हलाला वगैरह की बात हो रही है, जो कि समय जो तो केसेस सुप्रीम कोर्ट के सामने हैं, तो ये तो उन सब समस्याओं पे जहां के दुनिया के अनेक मुस्लिम कंट्रीज में जो तो रिफॉर्म्स आ चुके हैं ऑलरेडी, तो ये इनका मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के जो का जो धोरण है वो मैं नहीं मानता। इस बीच महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले कार्यकर्ताओं का कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को उनका हक मिलना चाहिए, जबकि बीजेपी का कहना है कि देश का संविधान सभी के लिए एक समान है, उसे चुनौती देना ठीक नहीं है। देखिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जो पुरुष सदस्य हैं उनकी जिंदगी पे तो इसका कोई असर हो नहीं रहा, असर हो रहा है महिलाओं की जिंदगी पर, और मुस्लिम समाज की महिलाओं की तरफ से ये मांग उठी है, इसलिए इस मांग को स्वीकार किया जाना चाहिए। समाज सुधार, समाज परिवर्तन हर युग में हर समय होता है, और ये आज की समय की मांग है, इसलिए इसको होना चाहिए। भारत के संविधान के अंतर्गत ये देश पूरा चल रहा है, समाज पूरा चल रहा है, पार्लियामेंट पूरी चल रही है, और उसको चुनौती देना मेरा ख्याल है कि ये दुस्साहस है। और संविधान जो भारत का है वो सबके लिए लागू है, और इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि इस प्रकार के एफिडेविट को न्यायालय भी महत्व नहीं देगा, ऐसा मुझे लगता है।